ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है जी, पूरा यहाँ से बैंड हो गया। इंडिया जीत चुकी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह उठते ही, सुबह क्या, अभी टाइम रखा है 10:10। सो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये कबाड़ हमारा सारा आप देख सकते हैं। रूम 5 स्टार का होगा ना, तब भी वो ऐसा ही होगा। ये वॉशरूम, और व्यू ये देखिए, व्यू एक नंबर है भाई। चलो यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा। ये देखिए लेक फेसिंग व्यू है, एक नंबर रूम है, मतलब व्यू का ही मजा है यार। ये देखिए यहाँ पर नीचे गार्डन, आराम से देखकर आप कर सकते हैं। और वो सामने बोटिंग, वो अपने देखा होगा कि 15 अगस्त की राइड पे भी हम करना लेक पर ही आए थे। उस टाइम सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, आज रुके हैं। और ये रूम बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को उम्मीद, ये एक्चुअली हरियाणा टूरिज्म के अंडर आता है, सो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रूम मिलेगा और इस प्राइस रेंज पर मिलेगा। सो रूम भी बहुत, आपने देखा प्रॉपर काउचेस, रूम भी बहुत अच्छा है। पाजी कैसा है रूम? बढ़िया, उम्मीद थी नहीं। क्योंकि यार गवर्नमेंट के अंडर था तो इसलिए उम्मीद बहुत कम थी, बट यार रूम बहुत अच्छा है। सो चलिए अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये हमें सिर्फ 2200 में, पाजी सिर्फ 2200 में पड़ा, तो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं विद द व्यू। और भाई ये देखिए, जैसे ही रूम से बाहर आए, अब यहाँ का नज़ारा देखिए, फुल ग्रीनरी। और ब्रेकफास्ट वहीं होगा जहाँ लास्ट टाइम किया था, लेक साइड पर बैठकर आराम से, बढ़िया एक नंबर व्यू आएगा। और ये कुछ बिल्डिंग है, और ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है बट अच्छी है। गार्डन, और बारिश फिर से शुरू हो गई यार। आप मतलब फैमिली आराम से एक दिन का स्टे, अगर एक ओवरनाइट स्टे अगर लेना चाहती है, बच्चों के साथ है, आराम से आपको यहाँ झूले मिल जाएंगे। ये देखिए वेलकम टू द किड्स जोन, झूले मिल जाएंगे, पार्क मिल जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा, और खाना भी बहुत टेस्टी, लास्ट टाइम जब ब्रेकफास्ट राइड भी किया था। और 12D सिनेमेटिक सिनेमा ये भी मिल जाएगा आपको, अगर आपको 10 से 15 मिनट की कोई मूवी देखनी है। हाँ पाजी को चाहिए लेक व्यू। हाँ लेक पे आए हैं, लेक व्यू चाहिए होगा। और फिर बारिश शुरू हो गई है, हाँ अभी थम गई थी। तो भाई ये देखिए, चलिए करते हैं कुछ ऑर्डर, फिर मिलते हैं आपसे। और यार अभी बारिश फिर से तेज़ हो गई है, और मैं बता दूं यहाँ पर हम क्यों बैठे हैं, सिर्फ एक इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान की दिली इच्छा थी कि मैं इस जगह पर आऊँ, ब्रेकफास्ट करूँ, रुकूँ। और वो कौन है? ये इंसान। अच्छा लग रहा है ऐसे यहाँ पे आके, एक्सपेक्टेशन इतनी थी नहीं कि इतना अच्छा होगा, अच्छा। कल से मनाली से आ रहे थे तो 450 किलोमीटर बाइक चला ली, एक मिनट भी रास्ते में हमें मतलब कंटिन्यूस बारिश मिली है। तो पॉडकास्ट शूट हो रहा है हमारा, इरिटेट हो गए थे चला चला के। तो एंड में हमने डिसाइड किया कि एक जगह रुक ही जाते हैं, कल
बाकी 150 किलोमीटर बचा है दिल्ली, तो वो कल कर लेंगे कवर, इसलिए यहाँ रुके हैं। और मेरा काफ़ी टाइम से मूड भी था यहाँ आने का, लेक व्यू देखने का, तो सो फार सो गुड, अच्छा लग रहा है बहुत। और इतना मन था, इतना भगवान से वो किया कि भाई साहब मतलब कुछ भी करो भगवान, बस यहाँ पहुँचा दो। और भगवान ने किया जस्ट करनाल लेके 1.5 किलोमीटर पहले एक बड़ा सा पोर्टल लाया और भाई की बाइक उसमें गई और आगे वाला रिम बैंड, अलॉय बैंड, और हम यहाँ। तो इतनी भी मतलब शिद्दत से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए कि भगवान कैसे भी करके आपको वहाँ पहुँचा दे। तो तो पाजी प्लीज़ इतना शिद्दत मत कीजिए किसी भी चीज़ के लिए। वही है ना, जो भी ना बोलो मुंह से सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना कई बार वो चीज़ सच भी हो जाती है। और सच ऐसा जो कि गले से नीचे ही ना उतरे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़। ये तो चाय है, कोई नहीं कोई नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल ही मत बोलो कि जो अगर बाय चांस हो जाए तो आपकी लग जाए। तो चलिए अभी अपना सैंडविच आ चुका है, चाय, और लास्ट टाइम हमने जो पकोड़े खाए थे ना, पनीर पकोड़ा भाई, वो एक नंबर थे, गजब। तो हमने वो भी ऑर्डर किया, और साथ में आज बारिश तो हो ही रही है, तो चलिए निपटाते हैं जल्दी से। तो भाई अपने पकोड़े भी आ चुके हैं, और ब्रेकफास्ट में पकोड़े इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, और वैसे तो यार 11 बजने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट से तो ऊपर जा चुका टाइम, तो इसलिए हमने वो भी मंगाए। और मेरे को लास्ट टाइम बहुत पसंद आया, वैसे मैं पकोड़े नहीं खाता पर मेरे को बहुत अच्छे लगे थे। तो भाई ये देखो, ये पूरा यहाँ से बैंड हो गया, और इसमें हवा तो मतलब कोई चांस ही नहीं कि कोई रुक जाए। यहाँ से भी ये पूरा आगे का टायर एकदम से गड्ढे में गया, और अपने गड्ढे टनल सिंह जी को गड्ढे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। नहीं पर मैं दूसरे कईयों को जिनको मैं भाई समझता था वो आंखों के सामने से चले गए। चलो खैर कोई नहीं। हाँ अरे होता रहता है। तो अभी देखते हैं, सुबह कॉल किया था तो घोड़ा चौक पर बोल रहे हैं कि कुछ हैं जो टायर ये रिम प्रेस जो अलॉय प्रेस करते हैं, अगर वहाँ से हो जाता है ठीक है, वरना फिर नॉर्मली ट्यूब डलवा कर और फिर इंश्योरेंस में इसको देंगे। सो चलिए चलते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो 15 दिन की राइड थी ना, उसमें से कम 4 से 5 बार गगन भाई आपने बोला था कि यार करना लेक पर जाना है। तो हम लिंकशेड करके आए हैं, वर्ल्ड का मतलब आप टफेस्ट ट्रेल है लिंकशेड, और उसके बाद हमने जो नुबला टॉप किया वो उससे भी टफ था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। इतना 500 किलोमीटर हम मतलब बारिश में आए हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ, और सिर्फ करनाल लेक के सामने आकर सब कुछ हो गया। तो भाई करनाल में एंट्री हो चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता द्वार और श्री कृष्ण जी के दर्शन सुबह सुबह। जय श्री कृष्णा। तो चलिए अभी श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए, तो करते हैं इस व्लॉग शुरू। सब गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और हमारी तरह ना भी अच्छे हैं तब भी अच्छे ही, मतलब एक वो रहता है ना कि पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो आप अगर पॉजिटिव होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सो पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव। और अभी देख रहे हैं एक बार प्रेस, कहीं भी कोई भी अलॉय की प्रेस करता होगा ताकि वो सीधा हो जाए तो वहाँ करवाएंगे, वरना फिर टेम्परेरी तो अपने पास ऑप्शन है ही कि ट्यूब डलवा के आप चलाओ और आप इंश्योरेंस में आप दे सकते हो, बट पहले ये करेंगे कि इंश्योरेंस में ना जाए, 200-400 भले ही लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इंश्योरेंस में जाने के बाद यार एक एक महीना आपकी बाइक वहीं खड़ी रहती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। सो देखते हैं, वही कोशिश रहेगी पहले तो कि अगर प्रेसिंग से हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता तब भी ठीक है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, बट हमारे हाथ में है कोशिश करना, तो वो कर रहे हैं हम। वरना अभी डायरेक्ट 5 मिनट में हम ट्यूब डलवा के और निकल सकते थे कि आगे देख लेंगे जो भी होगा देखी जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब ढूंढते हैं अलॉय प्रेसिंग वाले को,
आई होप मिल जाए। पाजी अब ये भी शिद्दत से मांगो ना कि अलोए प्रेस वाला मिल जाए, आपकी भगवान को ज़्यादा ही सुनते हैं। तो भाई अभी पाजी मांगेंगे कुछ भगवान से तो मिल ही जाएंगे। सो भाई फाइनली प्रेस वाला मिल गया। हो जाएगा ना, देख लो। मतलब देखो मैं आपको दिखा दूं, ये जो ये कॉर्नर है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो रखा है, हो जाएगा ना। तो ले आए बाइक ही ले आएंगे। क्या कुछ प्राइस भैया? 200 रुपये से स्टार्ट है जी। ओके ओके चलो भाई, ये आप लोगों के लिए भी है किसान चौक पर, अगर कभी ऐसा हो जाता है, जो कि ना हो आपके साथ बट बाई चांस अगर हो जाता है, तो किसान चौक पर टेक्निकल वर्क्स ये प्रेस करके जगह है, तो आप पूछ कर किसी से भी आ सकते हैं। तो चलिए अभी बाइक लेकर आते हैं। और यार अब यहाँ लेकर आए, उससे पहले हमें नहीं पता था, पहले यही लग रहा था कि प्रेस से हो जाएगा ठीक, बट जैसे ही वो हाँ भैया के पास लेके आया तब दिखा कि पूरा लोहे क्रैक हो रखा है। तो और सारी मुसीबतें आज ही आनी थी, आज संडे भी है, इस वजह से आधी से ज़्यादा मार्केट बंद है। अब देख रहे हैं, TVS के सर्विस सेंटर में कॉल किया था तो बोल रहे थे भाई की हो जाएगा आज ही आप, क्योंकि यहाँ सब डर रहे हैं इसका टायर खोलने के लिए कि अगर खुल गया तो लगेगा नहीं। और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से टायर खुलवा के फिर यहाँ लेके आना, ट्यूब डलेगी उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। तो आज का पूरा दिन इसी चीज़ में। तो भाई पहुँच चुके हैं कृष्णा TVS और यहाँ जावा भी, जावा का सर्विस सेंटर भी है, यामा का भी है, ओवरऑल एक ही उसमें सभी ने खोल रखे भाई। हाँ 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 बोल रहे थे हो जाएगा, पीछे होगा ना उस तरफ। हाँ मैं पूछ तो ले, तो चलिए भाई पूछते हैं। एक टायर खुलवाना था RR 310 का। सर हमारे पास 310 का सेगमेंट नहीं है। सर वो नॉर्मल आगे वाला सिर्फ टायर खुलवाना था, वो बात हुई थी मनोज जी कौन है? आप ही हैं। मेरी सर से अभी बात हुई थी, वो बोले मनोज जी से बात कर लेना। हाँ हाँ कोई ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। सो भाई पूरे करनाल में यार एक पैडॉक स्टैंड नहीं मिला, तो अभी भैया ने अपने पास ही लगवा लिया है। सो थैंक यू भैया। तो अभी यहाँ लगा रहे हैं, आज फिर यहीं रुकेंगे, कल ग्रीन ऑटो पे, मतलब इसका जो सर्विसिंग होती है वो यहाँ कृष्णा TVS पे नहीं होती, तो इसका कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। सो कल ग्रीन ऑटो पर जाएंगे, वहाँ उसके बाद ये टायर वगैरह और चीज़ क्या टकर, सिर्फ एक टायर खुलना है उससे सब कुछ हो जाएगा, बट एक वो टायर ही नहीं खुल रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ, हाँ जी स्पेशली टूल्स वही दिक्कत कर रहे हैं। तो आज कुछ संडे भी हो गया इसलिए भी पूरी मार्केट बंद है, ग्रीन ऑटो भी बंद है, वरना वहाँ से हो जाता। और मैं आपको टायर दिखाता हूँ, ये पूरा क्रैक है, बहुत बड़ा क्रैक है। और चलो फिर हाँ रुक जाएंगे, कोई ना 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 कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरे को क्या हो गया, कोई बात नहीं, मेरी मेरी होती तब नहीं होता 2 दिन मेरे को, अगर मेरी बाइक को हो रखा मेरी तब नहीं होता 2 दिन बस फिर। तो भाई अभी निकलते हैं यार यहाँ से। सो रेडी हो चुके हैं भाई, और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और जल्दी से चल रहे हैं लेक साइड। सो चलिए चलते हैं बाहर, रेडी हो चुके हैं फुल। और यहाँ भी भाई अपने गियर सूख रहे हैं, बट इनको नज़रअंदाज कीजिए आप,
ये देखिए सभी लोग बोटिंग कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन से बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और उधर सनसेट हो रहा है और यहाँ पर सभी अभी मछलियों का दाना डाल रहे हैं। बारिश फिर हो गई, बारिश आ गई। ओहो यार, अपना मतलब बाहर निकलते ही बारिश कल से, मतलब क्या, और बहुत तेज़ आ गई। निकलने से बकवास करने से कुछ नहीं है, बट बाहर निकलते ही अभी जस्ट निकले थे और अब बारिश देखी एकदम से कितनी तेज आ गई है। और भाई अभी बज चुके हैं रात के 8:45, टाइम हो चुका है और 2 घंटे पहले पूरा भरा हुआ था, रिजॉर्ट पूरा भरा हुआ था और अब देखो आप सिर्फ अपने गगन भाई और कोई नहीं। तो चलिए आपकी बैठू, थैंक यू। तो अभी डिनर के लिए देखते हैं, मैगी वगैरह जा रहे हैं तो मैगी से कुछ ले आएंगे। काफ़ी दिन खाली हो गया यार, अभी हम 1.5 घंटा पहले आए थे तो यार 1.5-2 घंटा ही हुआ है तो बारिश हो गई थी अचानक, तो फिर उसकी वजह से भी लोग थोड़े कम हो गए। अदरवाइज तो यहाँ पे दोपहर को तो इतने ज़्यादा लोग थे क्या, रौनक मेला चल रहा था यहाँ। बोटिंग के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे संडेज को स्पेशली। कल देखेंगे, मंडे है, कल देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता। कल भी हम आए यहाँ पे 2-3 बजे तक हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है, वो एक ग्रीन। चलिए लग गई। और यार टेक अवे की तो बहुत लंबी लाइन लगी है, अंदर मैकडी भी है, डोमिनोज भी है, अंदर बराबर नहीं खाते हैं, कल खाएंगे। अभी देखते हैं, लाइन काफ़ी लंबी है। सो भाई अपना ऑर्डर मिल चुका है, 2 मैकवेजी, 2 तो मिल ही आपने है ना, मैकवेजी मिल, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर खा लेते ना, चलते हैं मैच देखते हैं। चलो और 2 कॉक अभी करेंगे मैच देख के, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। और इधर उधर मत देखना, सिर्फ मैगी। चलिए यार खाते हैं और फिर सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जाना है, जहाँ से बाइक उठाकर और दूसरे सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी, तो 9 बजे तक हमें वो लेकर जानी है वहाँ, वरना अगर हम लेट हुए तो फिर नहीं पता, पूरा दिन भी लग सकता है। अगर हम टाइम से पहुंच गए तो कुछ मिनटें हैं उन्हीं में काम हो जाएगा, वरना उसके बाद फिर, क्योंकि आज संडे है, ऑफ का दिन था, तो कल एक्सेस में उनके पास काम होगा, तो फिर आपको ही पता है कि बीच में कोई भी दूसरे का काम नहीं करता है। सो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि हम 9 बजे से भी 5 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाएँ। तो चलिए अभी खा दें। तो भाई इंडिया जीत चुकी है और काफ़ी देर पहले, मतलब 10 से 20 मिनट पहले मेरी आँख लगती थी मैच देखते देखते, मतलब मैच ख़त्म होने के बाद आँख लग गई। सो इंडिया जीत चुकी है। सो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव। और पाजी अपने सो चुके हैं बहुत देर पहले, सो थैंक यू।